मेन मुद्दा है बेरोजगारी, मेन मुद्दा है महंगाई। इन दोनों मुद्दों में से बता दो कौन सा कम हुआ है भाई। जनसंख्या बढ़ रहा तो बेरोजगारी बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ रहा तो बेरोजगारी बढ़ेगा, फैक्ट है। जनसंख्या बढ़ती आ रही है, सिस्टम चलते रहते हैं, ये कोई मुद्दा नहीं होता जनसंख्या पे। चाइना ने, चाइना को भी हमने पछाड़ दिया है जनसंख्या के मामले में। चाइना को पछाड़ दिया, मगर चाइना ने हमारी जमीन पे कब्जा कर लिया है, बट लेकिन उसके पक्ष के खिलाफ कोई नहीं बोलता। मोदी जी अभी तक नहीं बोले। सेल्फ इंडिपेंडेंट हुई है ना, अगर हम 1 करोड़ हैं या 1 अरब है, तो 1 अरब कहाँ से हमको मिलेगा नौकरी? हमको आप जरा बता दें कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। हम अब सेल्फ डिपेंडेंट हो, हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे ना, हम सेल्फ होते थे, अब क्यों नहीं है रोजगार? बेरोजगारी क्यों बढ़ती जा रही है दिन पे दिन? नहीं, आज हमें रोजगार इतनी, हमें एक मिनट, हमें पहले से ज्यादा रोजगार मिल रहा है, ज्यादा सुविधाएं मिल रही है। आईटी सेक्टर खुले, सब कुछ खोले, उसके बाद भी आज की तारीख में फिर भी बेरोजगार है। कितनी 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 पॉपुलेशन कर रही है आज गुड़गांव में, देखो जाके मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। किसने कर दी? अरे किसी ने भी करी, बट लेकिन आज है कि अभी जो है बेरोजगारी बहुत है, बहुत हो रही है सरकार के, क्या और कहेंगे? महंगाई है, दो ही मुद्दे हैं। मुद्दों पर क्या कहेंगे? तो महंगाई और बेरोजगारी। मैं तो यही कहूंगा कि है ना, आप लोगों के ऊपर डिपेंड है और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये बातें है ना फालतू की बातें है कि है ना, जो बंदा बोल, जो भी बोल रहा है ना फालतू की बातें बोल रहा है। नहीं, आप जरा सा बिजली रोड ये सब नहीं देख रहे हैं आप? कहाँ से कितना पहले हम कितने लोगों के लिए बैंक में, अभी कितना सुविधाएं लोन का लाया है? नहीं नहीं, एक मिनट रुको ना, बिजली की लाइन पर कितना लगना पड़ता था? बहुत ज्यादा लगना पड़ा सिलेंडर के लिए, सिलेंडर के लिए कितना लगना पड़ता था? आज की डेट में ऑनलाइन कितना हो रहा है, कितना हो रहा ऑनलाइन हो रहा है? आज आप बताइए ना, इनको नहीं समझ में आएगा, इनको नहीं समझ में आएगा। भ्रष्टाचार है ना, खत्म होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, इनको नहीं समझ में आएगा, बाद में समझ में आएगा। भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, ठीक है? केजरीवाल कह रहे हैं हमारे इतिहास में आज तक ऐसा भ्रष्ट नेता। केजरीवाल की क्या बात करोगे आप, उसकी उनकी तो खांसी नहीं खत्म होती। खांसी कब खत्म होगी ये बताओ ना मेरे को। पंजाब में उस बंदे को उठा के लेके आए हैं जो मंत्री के सपने देख रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, आप बता रहे हैं, आप बता रहे हैं इस बात को? नहीं नहीं, आप बता रहे हैं? नहीं, आप बता रहे होंगे, हमें नहीं पता क्या सपने देख रहे हैं, हमें नहीं पता कौन सा सपना देख रहे हैं। सपना आ गए हैं कि हम भी प्रधानमंत्री बनकर नेतृत्व करेंगे। अच्छा यार, ये भाई भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, ये भी देख रहे हैं, वो भाई भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं, ये कहने से बात नहीं होती, नहीं होती। तो ये बता दीजिए 24 में बदलाव चाहिए प्रधानमंत्री को लेकर के? नहीं नहीं, कोई नहीं नहीं, बदलाव नहीं चाहिए। युवा भी मौजूद है, अब युवा की राय बजानेंगे, क्यों चाहिए आपको बदलाव? आप बदलाव चाहते हैं? मोदी जी को हटा के कुछ और चाहते हैं? अरे क्या देख रहे हैं आप, ये कह रहे हैं आप, समझे नहीं इस बात को? ठीक है, हाँ जी, वो कह रहे हैं मोदी जी को हटा के कुछ और बदलाव चाहते हैं आप? मतलब जब डेमोक्रेसी है तो लीडरशिप आप कॉन्स्टेंट तो नहीं रह सकते। मेन बात बात बोलिए, आज की डेट में हो क्या रहा है, गलत हो रहा है या सही हो रहा है? वो पूछना चाह रहे, किस चीज को लेके गलत सही? पीएम मोदी है, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी है, आपको लग रहा है हमारे देश का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है हमारी कंट्री की? यस, बट इट्स कमिंग एट अ कॉस्ट। या क्या कॉस्ट लग रही है? मतलब हम रहे तो एक देश में जहाँ पे सबके अपने अपने ओपिनियन है। आप सुनिए, आप एक बात सुनिए, सबके अपने अपने ओपिनियन है, ठीक है, लेकिन इस सरकार के तहत उन ओपिनियंस में क्लैशेस बहुत ज़्यादा आ गए हैं। एक हेल्दी डिस्कोर्स अगर देश में रहेगा कि आप और मैं डिसएग्री करते हैं लेकिन हम कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, तो वो बेटर है। अच्छा, तो आपके हिसाब से बेटर ऑप्शन कौन हो सकता है, ये बता दीजिए? बेटर ऑप्शन कौन हो सकता है? राहुल गांधी भी हैं यहाँ पर। राहुल गांधी, देखो अपने राहुल गांधी हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन है ना, देखो उधर से आया, लेकिन है ना, पता है अभी क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, निगेटिव दिखाया जा रहा है उनको आने वाले टाइम में कि ये हो सकते हैं, लेकिन है ना, मोदी जी का आज की डेट में ओके रिपोर्ट है, सबको पता है, ओके रिपोर्ट। मोदी जी को कोई अभी नहीं काटेगा, अभी कोई कट नहीं है, अभी उनका कटना नहीं है। इंडिया गठबंधन आई है, किस लिए आई? कितना ही आए, कुछ भी आए, कोई कुछ भी उनका हलना नहीं है। नहीं, बिल्कुल कुछ गड़बड़े। गठबंधन इन्होंने बनाया है तो मोदी जी ने भी तो अपने साथ 36 दल कर लिए, अपने साथ में।
मोदी जी ने क्यों कर लिया? अगर उन्हें इतना डर नहीं था, इतना कॉन्फिडेंस था, 36 क्यों करे? उनके तो 28 है। मोदी तो हमसे डर रहे हैं ना? मम्मी नाश्ता करके आऊंगा। नाश्ता करके आई अब? नहीं, मेरी बात सुनिए, अब मैं बता रहा हूँ आपको कि आज की डेट में मोदी जी क्या बोल रहे हैं भैया? मैंने कुछ कहा से आइए तो कहेंगे मोदी चाह रहे हैं बढ़िया काम। मोदी योगी दो ही प्रधानमंत्री चाहता हूँ मैं, या तो हाँ बस अभी मोदी योगी बना दीजिए। हम वही हैं। नाम भी फूलचंद है, नाम भी फूलचंद है। राहुल गांधी आज भी मैं चाहता हूँ कि हमारे योगी बाबू बना दो, हम जय श्री राम कर देंगे। के लिए खिलेश कहते हैं गुंडा है, गुंडा गुंडा तो वो है, हम तो जय श्री राम कहते हैं। भारत में रहते हैं, भारत का नाम लेते हैं। जय श्री राम लगा दो हमारे योगी बाबा को। अभी देख लो, अभी देख लो, जो भी बनता है ना योगी बाबा बना दो सबसे बड़ा प्रधानमंत्री। अभी दिखा देते हैं। तो दिल्ली में है, केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे? अरे वो भी यहाँ दिल्ली का, वो ठीक है, हाँ हम सबसे बड़ा मानते हैं उनके, योगी बाबा बना दो बस। सर क्या कहेंगे? देखिए 2024 के चुनाव आ रहे हैं, इस बार आपको क्या लग रहा है प्रधानमंत्री कौन बन सकता है? नरेंद्र मोदी पक्का। क्यों लग रहा है? नरेंद्र मोदी के अलावा नहीं लग रहा कोई चेहरा? मुझे तो कोई जगह दिखाई नहीं देगा, कोई चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। क्यों लग रहा है ऐसा सर? आपको कोई चेहरा नहीं दिखाई दे रहा? आप ही देख लीजिए कांग्रेस में या किस, हां बताइए। हां जी, क्यों लग रहा है आपको कि मोदी के अलावा कोई नहीं आ सकता? क्यों? मोदी ने काम किया है, काम किया है। विपक्ष वाले जो हैं कह रहे हैं हम गठबंधन में आ गए हैं, मोदी ने कुछ काम नहीं किया है तो हम देश के लिए काम। तो उनको तो लगता ही है कि जो मोदी ने कुछ नहीं किया है। तो क्यों लग रहे हैं विपक्ष वालों को? अब ये तो वही जाने हुए हम। सर आपके हिसाब से प्रधानमंत्री के लिए कौन सा बेस्ट चेहरा? वही नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी। सर आप क्या कहेंगे? भाई मैं तो इस पक्ष में हूँ कि नरेंद्र मोदी ठीक है, नरेंद्र मोदी अपनी जगह सही है, बट लेकिन जो उन्होंने मुद्दे बोले थे, बेरोजगारी, महंगाई, स्पेशल जो आए थे, जो जनता ने उन्हें चुना है, अपना मत दिया है, अधिकार के वोट डाला है कि भाई महंगाई से राहत दिलाएंगे, उनके जितने भी वादे हैं ना कोई भी अभी सही नहीं साबित हुए। इसलिए हम चाहते हैं कि कोई भी आए प्रधानमंत्री चेंज होनी चाहिए, सरकार चाहे कोई भी आए, विपक्ष में आए, कैसे भी आए, पर लेकिन प्रधानमंत्री चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, तभी समाधान होगा किसी चीज़ का। उन्होंने बता दिए सर कि बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, जो कहा था उन्होंने, तो क्यों नहीं पूरे हुए हैं? कहां महंगाई हो गए हैं बताएं हमको, कैसे महंगाई हो गई? एक बात बताइए, 450 रुपए का सिलेंडर मिलता था, स्मृति रानी सिलेंडर लेके घूमती थी, बैठ जाती थी, आज 900 से 1200 रुपए का हो गया। वो एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए, मैं आपकी, आज वो नहीं नजर आती महिलाओं के प्रति, इतना वो कांड हुआ बड़ा, ब्रजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, स्मृति रानी नहीं बोली, क्यों नहीं बोली भाई? जब वो विपक्ष में होते हैं तो वो बोलते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं, जब वो अपनी सरकार में आए थे तो नहीं बोलते। वैसे कहते हैं सारा भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी, 70,000 करोड़ का घोटाला था उन पे महाराष्ट्र के मंत्री, वो वापस आए मंत्री बना दिया उन्हें, क्यों भाई? सारे भ्रष्टाचारी इधर आते हैं वॉशिंग मशीन में साफ, बाकी सारे भ्रष्टाचारी उधर। इनका भी सवाल जो है जवाब कर लेते हैं। हाँ जी, आप जरा सा बता दीजिए कि 2014 में भी हमको 900 रुपये का सिलेंडर मिल रहा था, 2014 से पहले हमको 900 रुपये का सिलेंडर मिल रहा था, नई सब्सिडी मिलती थी, नहीं मिलती थी नई सब्सिडी, सब्सिडी कर दी है ना? कहाँ सब्सिडी आ रही है बताइए? 200 रुपये भी तो कम कर दिए क्या? 200 आप एक चीज़ बताइए, 400 रुपये की चीज़ को मैं 1200 रुपये कर दूँ और 200 रुपये घटा दूँ तो महंगाई घट गई? मैं आपसे पूछूं, हमारे देश की इकोनॉमी है, अब कहते हैं अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर है, ठीक है, और अब 24 में अगर भाजपा सरकार आएगी तो 3रे नंबर पर आ जाएगी, वो दावा कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको महंगाई क्यों लग रही है? तो मैडम दावे तो पहले भी बहुत चीजों के कर रहे हैं, वो दावे कहाँ पूरे हुए हैं?